एक जंगल में पहाड़ों की तलहटी में एक शेर रहा करता था। शेर सिंह एक बेहद ही खतरनाक शिकारी था, जो कि पलक झपकते ही अपने शिकार को मौत की नींद सुला देता था। सर्दियों का मौसम आ चुका था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सभी जानवर अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छुप गए थे। कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था। भूख मरने की नौबत आ गई थी। जब शिकार न मिला तो शिकार की तलाश में वह पास ही बसे एक गांव में घुस गया। गांव में एक मकान के बाहर पहुंचकर उसने देखा वहां एक बकरी चर रही थी, जिसे उसने अपना शिकार बना लिया और उसे खाकर वापस अपनी गुफा की ओर चल दिया। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने खेतों में बकरे की हड्डियां पड़ी देखी तो उन्हें समझ आ गया कि गांव पे किसी शिकारी शेर की नजर पड़ चुकी है और अब उनके पशु सुरक्षित नहीं हैं। अगली रात फिर वही हुआ। शेर सिंह दबे पांव आया और फिर एक बकरे का शिकार कर उसको मार कर खा गया। पेट भर जाने पर फिर वापस पहाड़ों में अपने गुफा की ओर चला गया। अगले दिन गांव वालों ने सवेरा होने पर जब दोबारा एक बकरी की हड्डियां देखी तो वे समझ गए और उन्होंने रात को अपने पशुओं को घर के भीतर बंद करना शुरू कर दिया। अगली रात शेर सिंह गांव में दोबारा आया। घरों के बाहर और खेतों में कोई भी पशु बंधा हुआ न देखकर वो अब गांव के घरों की तरफ चल पड़ा। वह एक घर की खिड़की पर खड़ा हो गया और अंदर देखने लगा। तभी उसने देखा एक औरत का बच्चा रो रहा था और वह औरत उसे कह रही थी, नालायक चुप हो जा, नहीं तो भालू आ जाएगा और तुझे मारेगा। भालू का नाम सुनते ही वह लड़का उछल पड़ा और बोला, भालू को पटक पटक कर मार दूंगा, बुलाओ भालू को, मार दूंगा, पटक पटक के भालू को मार दूंगा मैं। उस छोटे से लड़के की बात सुनकर शेर सिंह के कान खड़े हो गए। ये लड़का तो बड़ा खतरनाक मालूम होता है, भालू को पटक पटक कर मार देगा, मुझे सावधान रहना होगा। ऐसा सोच के वो दोबारा खिड़की से अंदर देखने लगा। वो लड़का फिर रोने लगा था। अब माँ ने कहा, भालू को मारेगा तो हाथी आ जाएगा, फिर हाथी तेरी पिटाई कर देगा। हाथी का नाम सुनकर लड़का फिर उछलने लगा और बोला, हाथी के ऊपर बैठूंगा और उसे दबा के मार डालूंगा। बाहर खड़े शेर सिंह ने सुना, अच्छा हाथी को भी मार डालेगा, भैया बहुत बहादुर लगता है ये लड़का। लड़का चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था तो माँ ने कहा, अरे नालायक, हाथी का दोस्त मगरमच्छ है, वो आके तुझे पानी में ले जाएगा और मार डालेगा। लड़का फिर उछलने लगा और बोला, मगरमच्छ को तो पानी में डुबो डुबो कर मारूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा। अब तक शेर सिंह की घबराहट बढ़ चुकी थी। उसने सोचा, आखिरी बार और देख लूं कुछ खाने को मिल जाए, नहीं तो यहां से भाग निकलता हूं। लड़के को चुप होता ना देखकर मां ने कहा, तू सबको मार डालेगा तो जंगल का राजा शेर आएगा और जैसे हमारी बकरियों को मारा है वैसे ही तुझे भी मारकर खा जाएगा। शेर का नाम सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया और बोला, मैं घूंसे ही घूंसे मारकर शेर को मार डालूंगा, उसका पेट फाड़ दूंगा। अपने बारे में सुनते ही शेर ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। वह चुपचाप दबे पांव वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी छत पर चढ़ा हुआ एक चोर का पांव फिसला और वो आकर शेर के ऊपर गिर गया। शेर को लगा उस लड़के ने शेर को पकड़ लिया है। वो डर के मारे भागा। उधर चोर शेर के ऊपर बैठा हुआ डर रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था,
हे भगवान आज बचा लो, जीवन में दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा। भागते हुए सामने एक गड्ढा आया और चोर नीचे गिर गया। शेर भागता हुआ आगे चला गया। चोर ने कान पकड़े कि अब वह जीवन में कभी चोरी नहीं करेगा। शेर बेतहाशा भागे चले जा रहा था। वो सोच रहा था एक बार ठीक ठाक अपने घर पहुंच जाए तो दोबारा कभी इंसानों के पास भी नहीं फटकेगा। आखिरकार शेर अंत में सही सलामत अपने गुफा तक पहुंच ही गया। वहां जाकर उसने राहत की सांस ली। धन्यवाद दोस्तों।